हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके साथ माय हॉट हैंडसम एंड लवली हस्बैंड का 11वां पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था लान मैंसन में जियांग चेंग और लैन सिचेन की मैरिज की तैयारियाँ चल रही थी, क्योंकि बिंग चाहता था कि यह मैरिज जल्द से जल्द की जाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी इससे आगे शुरू करते हैं। डॉक्टर वेंचिंग ने बिंग को चेक करने के बाद वांजी से कहा, मिस्टर लान, मुझे लगता है हमें एक दिन की भी देरी नहीं करनी चाहिए और विंग को हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए। उसका पेन अब दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए हम उसे मेडिसिन भी नहीं दे सकते। मिस्टर लान, मुझे डर है कहीं हमारी थोड़ी सी भी देर उस 1% को भी ना खो दे जिस पर हमने उम्मीद लगाई हुई है। वांजी ने कहा, डॉक्टर, यह देरी केवल उसकी जिद के कारण ही हो रही है और आप तो जानती हो कि वह कितना जिद्दी है। वह बिना इस मैरिज को देखे हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहता। डॉक्टर, केवल एक दिन की बात है और आप भी तो उसके साथ हो ना। वेंचिंग ने कहा, सॉरी मिस्टर लान, लेकिन मैं कल उस मैरिज में शामिल नहीं हो पाऊंगी। कल के लिए मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिली है, इसीलिए मैं कल उसके साथ नहीं रह पाऊंगी। लेकिन अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं उसके लिए यहाँ पर सभी तैयारियाँ पहले से ही कर लूँगी। वांजी ने कहा, थैंक यू डॉक्टर, आपने हमारा काफ़ी साथ दिया है। वेंचिंग ने कहा, नहीं मिस्टर लान, इसमें थैंक यू जैसी कोई बात नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने पेशेंट की दिल से सेवा करूं। और मिस्टर लान, आप सबसे तो मेरा जैसे अपनेपन का रिश्ता जुड़ गया है। तो ठीक है मिस्टर लान, अब मैं चलती हूं, आप उसका ख्याल रखना। वांजी शाम को जब विंग के लिए खाना लेकर रूम में आया, वांजी ने देखा विंग बहुत ही ज़्यादा पेन में है। वह ना ही सही से बैठ पा रहा है और ना ही सही से लेट पा रहा है। पेन के कारण उसकी आँखें पूरी तरह से टेढ़ी हो रही थी। वांजी ने बेड के पास रखे हुए टेबल पर खाना रखा और विंग को अपनी आर्म्स के सहारे लेते हुए अपनी गोद में कंफर्टेबली बिठाया। विंग ने कहा, नहीं लंजा, इस तरह नहीं, इस तरह तो तुम थक जाओगे। वांजी ने विंग को कंफर्टेबल करते हुए कहा, नहीं विंग, मैं नहीं थकूंगा। चलो अब तुम खाना खा लो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। और वांजी विंग को खाना खिलाने लगा। वांजी देख रहा था कि विंग आज इतनी ज़्यादा पेन में है कि वह सही से खाना भी नहीं खा पा रहा है। विंग को खाना खिलाने के बाद वांजी ने कहा, विंग, अगर तुम कहो तो हम आज ही हॉस्पिटल चलते हैं। डॉक्टर वेंचिंग ने कहा है कि हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। विंग ने वांजी की चेस्ट पर अपना सर रखते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, नहीं लंजा, मैं आज नहीं जाना चाहता। तुम जानते हो मैं यह मैरिज देखना चाहता हूँ। वांजी ने कहा, विंग, अगर तुम कहो तो हम इस मैरिज को पोस्टपोन भी कर सकते हैं। हम बेबी के आने के बाद भी तो यह मैरिज कर सकते हैं। तभी विंग ने कहा, लंजा, मैं यह मैरिज देखकर ही हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता मैं हॉस्पिटल से वापस आऊँगा या नहीं। वांजी ने विंग को टाइटली अपनी आर्म्स में कसते हुए कहा, नहीं विंग, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सही सलामत घर वापस आओगे। हमारे पास 1% चांस है ना विंग, और मुझे उस 1% चांस पर भरोसा है। वांजी विंग से यह सब कह तो रहा था, लेकिन वांजी खुद विंग को खोने के डर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वांजी ने देखा विंग वांजी की आर्म्स में ही सो गया था। वांजी विंग के फेस की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वांजी कह रहा था, विंग, मैं नहीं जानता क्या होने वाला है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ विंग, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। विंग, मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। विंग, मैं तुम्हारे बिना अकेला नहीं रहना चाहता। नेक्स्ट डे आज सिचैन और जियांग चेंग की मैरिज होने वाली है। वेडिंग हॉल में सभी तैयारियां हो चुकी हैं। मैडम लान ने वांजी से कहा, वांजी, सभी गेस्ट आ चुके हैं, थोड़ी देर में मैरिज की रस्में शुरू हो जाएंगी, तुम जाओ और आशियान को लेकर आओ। मैं नहीं चाहती कि आशियान मैरिज की एक भी रस्मों को मिस करे। वांजी ने हूँ में जवाब दिया और वहाँ से विंग को लेने के लिए अपने रूम में चला गया।
वांझी ने विंग को देखा जिसने बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी हुई थी। वांझी ने विंग से कहा, विंग जानते हो आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग ने पाउट बनाते हुए कहा, लंजा मुझे पता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरी ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। वांझी ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर विंग के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, नहीं विंग तुम आज सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। अब चलो विंग, मैं तुम्हें बैटिंग हॉल में ले जाने के लिए आया हूँ। वांझी ने कंफर्टेबली विंग को गोद में उठाया और बैटिंग हॉल की तरफ ले जाने लगा। वांझी ने बैटिंग हॉल में लाकर विंग को सेफली एक चेयर पर बिठाया जहाँ से वह आराम से पूरी मैरिज देख सकता था। थोड़ी ही देर में मैरिज की रस्में शुरू हो गई और जियांग चंग और सिचैन मैरिज की रस्में पूरी करने लगे, लेकिन वांझी का पूरा फोकस विंग पर था जिसे देखकर लग रहा था कि वह एक बार फिर से पेन में है। वांझी विंग के पास गया और विंग से कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। वैसे भी अब मैरिज की सभी रस्में पूरी होने वाली हैं, बस एक रस्म और फिर यह मैरिज पूरी हो जाएगी। तभी विंग ने कहा, नहीं लंजा मुझे पूरी मैरिज देखनी है। वांझी एक बार विंग की तरफ और एक बार जियांग चंग और सिचन की तरफ देख रहा था जो मैरिज की आखिरी रस्म पूरी करने जा रहे थे। वांझी के लिए जैसे एक एक पल बहुत ही मुश्किल से कट रहा था। वांझी देख पा रहा था कि विंग इस समय बहुत ही ज़्यादा पेन में है। उसने वांझी की आर्म्स को कसके पकड़े हुए था और विंग के नेल्स वांझी की स्किन में इस तरह से गड़ रहे थे मानो कुछ पल में वहां से ब्लड आने लगेगा। मैरिज की आखिरी रस्म पूरी हो चुकी थी। वांझी ने विंग की तरफ देखा जिसका फेस पूरी तरह से आंसुओं से गीला था। वांझी ने विंग से कहा, विंग। तभी विंग ने कहा, हाँ लंजा मुझे हॉस्पिटल जाना है। वांझी ने एक ही पल में विंग को गोद में उठाया और मैरिज होम से बाहर की तरफ जाने लगा। इसके साथ विंग के पेरेंट्स सिचन और जियांग चंग भी थे। वांझी जब विंग को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां पर वांझी ने पहले से ही सभी तैयारियां कर रखी थी, क्योंकि वांझी ने रास्ते में ही डॉक्टर वांझी को कॉल कर दिया था कि हम विंग को लेकर आ रहे हैं। वांझी ने विंग को बेड पर लिटाया। तभी विंग ने वांझी के हाथ को पकड़ लिया। वांझी ने कहा, विंग क्या हुआ? तभी विंग ने कहा, लंजा मुझसे दूर मत जाना, प्लीज मेरे पास ही रहना। वांझी ने विंग के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, नहीं विंग मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, बस मुझे अभी डॉक्टर से बात कर आनी है। यह कहकर वांझी पार्क की तरफ चला गया जहाँ पर वांझी उसका वेट कर रही थी। वांझी ने वांझी से कहा, जहाँ पर पूरी लान फैमिली भी थी, मिस्टर लान हमें कुछ देर में ही उसका ऑपरेशन करना होगा। तभी वांझी ने कहा, लेकिन डॉक्टर आपने तो कहा था अभी डिलीवरी में काफ़ी समय है। तभी वांझी ने कहा, हाँ मिस्टर लान मैंने कहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसे इतनी जल्दी लेवर पेन शुरू हो जाएगा। तभी वांझी की माँ ने कहा, लेवर पेन? तभी डॉक्टर वांझी ने कहा, हाँ मैडम लान यह कोई आम पेन नहीं है, उसे लेवर पेन शुरू हो गए हैं। तभी वांझी की माँ ने कहा, डॉक्टर सब कुछ ठीक तो होगा ना मेरा आशियान? तभी वांझी ने कहा, मैडम लान हम पूरी कोशिश करेंगे, मैं भी नहीं चाहती कि उसे कुछ हो। वांझी ने वांझी की तरफ देखा और कहा, मिस्टर लान आप मेरे साथ आइए। डॉक्टर वांझी ने वांझी से कहा, मिस्टर लान हम उसे बेहोश करने जा रहे हैं, इसीलिए आपको उसके साथ रहना होगा, क्योंकि विंग ने मुझसे कहा था कि वह चाहता है कि जब तक उसकी आंखें बंद हों आप उसके सामने हों। वांझी ने वांझी से कहा, हाँ डॉक्टर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब वह अपनी आंखें बंद करेगा तो मैं उसके सामने होऊंगा, और जब वह अपनी आंखें खोलेगा मैं तभी उसके सामने होऊंगा। वांझी ने वांझी से कहा, हाँ मिस्टर लान मैं भी यही चाहती हूँ कि वह जब अपनी आंखें खोले तो उसकी खुशियाँ उसके सामने हों जो केवल आपसे हैं।
पान जी ने विंक का हाथ पकड़े हुए था और धीरे धीरे विंक की आंखें बंद हो रही थी। विंक सोच रहा था, लंजा मैं नहीं जानता कि मैं वापस तुम्हें देख पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं हर जन्म में तुम्हें देखूं। और धीरे धीरे विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में ऑपरेशन शुरू हो चुका था और वांजी डोर के बाहर वेट कर रहा था कि यह डोर खुलेगा और वह सही सलामत अपने विंग को देखेगा। लगभग एक घंटे के बाद वह डोर खुला और डॉक्टर वेंचिंग उस डोर से बाहर निकली। डॉक्टर वेंचिंग ने कहा, विंग ने एक बॉय बेबी को जन्म दिया है। तभी मैडम लान ने कहा, डॉक्टर मेरा आशियन कैसा है? तभी वांजी ने कहा, डॉक्टर विंग कैसा है? तभी डॉक्टर वेंचिंग ने कहा, मिस्टर लान हम कुछ हद तक अपनी कोशिशों में कामयाब रहे, लेकिन तभी वांजी ने कहा, लेकिन क्या डॉक्टर? मिस्टर लान उसकी जान बचाने के लिए मैंने जो जो बुक में पढ़ा था मैंने सभी रूल्स को फॉलो किया, लेकिन उसके कारण ऑपरेशन के समय उसका बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस होने लगा, जिसके कारण उसे ऑपरेशन के बीच में ही होश आ गया। वांजी ने कहा, डॉक्टर आप कहना क्या चाहती हैं? आप साफ साफ कहिए। वेंचिंग ने कहा, मिस्टर लान हम उसकी जान तो बचा पाए, लेकिन ज़्यादा ब्लड लॉस और ज़्यादा पेन के कारण वह कोमा में चला गया। तो चलिए दोस्तों, आज का पार्ट मैं ही ख़त्म करती हूँ। अब इसका एक पार्ट और बनेगा और यह FF ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।